नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से हाल ही में एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो कैंडिडेट नेट, सेट या पीएचडी क्वालिफाइड है, उनके लिए यह जॉब पोर्टल उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आप कैंडिडेट हो और आपके पास नेट या सेट या पीएचडी और सभी क्वालिफिकेशन आपके पास अगर ये है, तो आप इस जॉब पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आपको आपके जॉब सर्च करने में मदद मिलेगी। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर करवा सकते हो। यह उसकी होम पेज है। आपको जॉब सर्च करने के लिए पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें आप आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख सकते हो और उसके बाद आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये टैब है कैंडिडेट के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। दूसरी टैब है एम्प्लॉयर के लिए जो जॉब देना चाहते हैं, जो जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, उनके जॉब पोस्ट कर सकते हैं और फिर कैंडिडेट भी सर्च कर सकते हैं। इन्होंने पोस्ट किए हुए जॉब जो है वो सर्च जॉब में आएंगे। इस तरह से जो जॉब देने वाले हैं और लेने वाले हैं, इन दोनों का मिलाप इस वेबसाइट पर होने वाला है। इसके अलावा तीसरी फैसिलिटी यहाँ पर यह भी है कि कोई नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है, किसी का नाम आपको वेरीफाई करना, तो यहाँ से कर सकते हो। अगर हम यहाँ आते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन कौन है। उसके बाद सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का डेटाबेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ होता है, शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं है। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट को ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर ये जो दो लिंक है, यहाँ पर आपको पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी। अब आते हैं होम की तरफ और देख लेते हैं नीचे और दूसरे जो प्लेस होल्डर है वो क्या है। रजिस्टर कैंडिडेट है ऑलरेडी, आप देख सकते हो इस वेबसाइट पर जॉब पोर्टल के नेट के लगभग इतने कैंडिडेट है, नेट विद जेआरएफ इतने कैंडिडेट है और सेट कैंडिडेट और पीएचडी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे नेट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर एक आपको आइडिया आ जाएंगे कितने किस सब्जेक्ट के कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर अब तक इस पोर्टल पर किया है। इससे आपको पता चलेगा कितने कैंडिडेट है और आपका कंपटीशन कितना टफ है। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हो पीएचडी कैंडिडेट है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस वेबसाइट पर जॉब पाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा। पहले हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पर भरने होंगे, कैंडिडेट नेम, मिडल नेम, सरनेम, ईमेल, आपका ईमेल ही आप यूज़र नेम के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो, आपका जो भी ईमेल अभी एक्टिव है उसको आप यहाँ पे टाइप कीजिए, फिर पासवर्ड टाइप करिए अलग से इस वेबसाइट के लिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हम अलग वेबसाइट पर करते हुए, और उसका आंसर टाइप कीजिए और ये कैप्चा टाइप करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने रजिस्टर कर लिया है तो मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ। कैटेगरी कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट, और यहाँ पे मुझे कैप्चा टाइप करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक एक डिटेल्स भरनी होगी। क्लिक हियर टू क्रिएट और एडिट योर प्रोफाइल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टैब है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, इसके बाद क्वालिफिकेशन विथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भरना है, और फिर पब्लिकेशन डिटेल अगर कुछ है तो वो आपको यहाँ पर भरने, और डिक्लेरेशन आपको करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी वो सही है, और फिर उसके बाद आप जॉब सर्च कर पाएंगे। पहले टैब तक मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपको नाम आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर जा सकते हो। जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रहे हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे इस सवाल पे आपको गौर करना है कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है वो आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो यहाँ पर आपको ये पब्लिक करना होगा। अगर नहीं, आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो प्राइवेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये पब्लिक रखना चाहिए, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको जॉब देना चाह रहा है तो उन्हें एक ऑप्शन आए कि इसलिए वो डायरेक्ट आपके कॉल कर सकते, इसलिए यह पब्लिक रखा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भरना है एक एक जानकारी, जैसे कि आप देख सकते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, अदर एक्सपीरियंस है, यहाँ पर हम जानकारी पूरे डिटेल्स हमको भरना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी हमें क्या करना है कि इसमें आप क्वालिफाइड हो, इसके बाद आप सेव और नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से डिटेल्स आपको, पब्लिकेशन डिटेल, डिक्लेरेशन और फिर सर्च जॉब पर आप जाकर अपना प्रोफाइल जो है वो वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपका काम हो जाए आप लॉग आउट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि फिलहाल अब यह जो पोर्टल है अभी शुरुआत अभी इसकी है, तो यहाँ पर ज़्यादा जॉब सर्च ऑप्शन शायद अभी ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयर यहाँ पर रजिस्टर होंगे तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया जॉब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।